हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएच पाथो। अब आज हम झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आप पैरामेडिकल के किसी भी कोर्स से हो, आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कराएंगे मैं आपको बता दे रहा हूं। तो झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, अभी जैसा आप जानते हैं कि जेएसएससी ने एक फॉर्म निकाला है जो एक्सरे पदों के लिए है, टेक्नीशियन पदों के लिए है। तो उसमें बहुत सारा रिक्वायरमेंट है कि आप झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा रजिस्टर होने चाहिए, तभी आपको मान्यता मिलेगी। कितना खर्च होगा, आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे होंगे कितना खर्च होता है, उतना खर्च होता है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ 1500 से 1000 रुपये आपको चार्ज है। अगर आप OBC या फिर जनरल में आते हैं तो आपको 1500 रुपये सिर्फ लगेगा। अगर आप ST SC कास्ट में आते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये ही देने की ज़रूरत है। आपसे कोई बहुत ज़्यादा मांगे तो बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जो बताने वाला हूं, आप खुद से अपने फोन से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छा है, आप उसमें भी सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। 5 ईयर वैलिडिटी होती है। अगर आप एक बार झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, आपने 1500 या 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराएं, तो ये जो वैलिडेशन होता है ये 5th ईयर के लिए होता है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? एक विशेष डॉक्यूमेंट चाहिए जो आपको अपने कॉलेज से लेना है, बाकी बस सभी डॉक्यूमेंट आपको जनरली मिलते हैं। आपको 12th के मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपको मार्कशीट चाहिए, आपके जो आपने पैरामेडिकल का कोर्स किया है उसका मार्कशीट चाहिए, उसके बाद आपको एक एडमिट कार्ड का फ़ोटो मतलब चाहिए, स्कैनिंग किया हुआ आपके, जिसने आपने पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए, और फिर आपको आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको प्रोविजनल चाहिए, ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे आप मैं प्रोसेस बाय प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप इस पूरे रजिस्ट्रेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए रजिस्ट्रेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है। जैसे ही आप गूगल क्रोम खोलेंगे तो आप ऊपर स्टेट पैरामेडिकल, झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल लिखेंगे। जैसे ही आप लिखकर इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आ जाएगा, आप इसे लिखें झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल फर्स्ट। अब देखिए, जो पहला आप लिंक देख पा रहे होंगे, यहाँ पर झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल झारखंड का लोगो भी है। आप इस पर सबसे पहले आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरा नेट थोड़ा स्लो था, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आपको झारखंड स्टेट पैरामेडिकल का दिखेगा। अब देखिए, ये मैं पूरा दिखा रहा हूँ, आप नीचे ऐसे ही देख सकते हैं। ऊपर एक क्लिक हियर लिखा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फैकल्टी अवेलेबल। आप वहाँ जैसे ही क्लिक हियर जो आपको बता रहा है, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद एक इस तरह का आपको पेज खुलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसा इसमें देना है। अगर पैसा आप देकर वो रसीद ले लेंगे, क्योंकि रसीद अपलोड करना पड़ता है, तो आपका काम होगा। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हियर टू पे। आप ऐड में किसी तरह के क्लिक हियर टू पे में नहीं क्लिक कीजिएगा, ये ऑथेंटिक जो है उसी में आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे वो खुलेगा, और यहाँ पर पे के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला है कैटेगरी क्या होगी आपकी, तो आप इंस्टीट्यूशन के लिए करेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कर रहे हैं या फिर किसके लिए कर रहे हैं, तो आप अपने लिए कर रहे हैं तो एजुकेशनल आप इंस्टीट्यूट से किए होंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे, आप इसमें झारखंड स्टेट पैरामेडिकल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट मर्चेंट्स में आप झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल, देखिए ये रहा, आप इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद पेमेंट किस तरह, फॉर कैंडिडेट चाहते हैं इंस्टीट्यूट, आप तो कैंडिडेट हैं, आप तो कैंडिडेट के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए नहीं करेंगे। इस तरह का आपको एक फॉर्म मिलेगा, अब आपको इसे भरना है। नेम ऑफ कैंडिडेट, आप मान लीजिए नाम कुछ भी XYZ है। कोर्स नेम, आप किस तरह का कोर्स कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए DMLT या फिर जो भी आप एक्सरे कर रहे हैं। रोल नंबर आपका, वो आपको डाल देना XYZ जो भी हो। कितना आप कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, तो 1500 रुपये आपको दे देने हैं, आपने ये दे दिया। अब नीचे आएंगे तो कैंडिडेट का नंबर, ईमेल आईडी नंबर डाल देना है आपको, ईमेल आईडी डाल देना। आप फिर उसके बाद नीचे कैप्चा करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको आपके गूगल पे पे या फोन पे पे आपने जिस भी चीज़ का वहाँ पे नंबर दिया होगा वो वहाँ पर आएगा, और फिर उसके बाद आपको एक आईडी मिलेगी, उसके हम लोग कहते हैं ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। आप फिर उसके बाद अपना पेमेंट का ट्रैक कर सकते हैं कि हुआ या नहीं। ये फोटो मैं दिखा रहा हूँ, देखो आपको इस तरह मिल जाएगा, आपको ऊपर ट्रैकिंग आईडी, नीचे सक्सेस लिखा हुआ रहेगा, और आपको ये अपना डिटेल्स नाम वाम सही चेक कर लेना है। ये स्लिप आपको रखना है, क्योंकि ये स्लिप आपको फिर अपलोड करना पड़ेगा नेक्स्ट में, जैसा जैसा बताता हूँ। आप देखिए,
अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से आपको झारखंड स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल के वेबसाइट पर आ जाना है। वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे ऊपर क्लिक हियर पे फिर से क्लिक करेंगे तो आपको वो पहले वाला इंटरफेस दिखेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर आना है। सबसे पहले आपको पेमेंट आईडी, आप गूगल पे किए होंगे तो आपको वहाँ कॉपी आईडी करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है। चूज डेट, कौन से डेट में किया है आपने, 9 तारीख 10 तारीख डेट चूज करें। फिर उसके बाद अमाउंट पेड आपने कितना किया, 1000 किया 1500 किया, वो आपको डाल देना है। फिर अपलोड पेमेंट, आपका रिसीविंग जो आपको दिया गया था वो आपको रिसीव अपलोड कर देना है। जो आपको रिसीविंग दिया गया आपने वो रिसीविंग अपलोड कर दी। फिर उसके बाद देखिए इसे मैंने लिया और फिर ये अपलोड। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे आप कैंडिडेट का नेम, नेम ऑफ कैंडिडेट भरिए, फादर नेम भरिए। फिर उसके बाद आप मोबाइल नंबर नीचे डालेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस आप डालेंगे, आप ये सब सारी चीज़ें भर लें। फिर उसके बाद आपको एंटर फुल एड्रेस, आपको जो पुराना पूरा पता है आप उसे डालेंगे। एंटर कोर्स नेम, कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं। एंटर नेम ऑफ कॉलेज, पूरा नाम जो आपका कॉलेज का है वो। फिर उसके बाद आईएससी का मार्कशीट आपको क्लिक करना है, आईएससी का मार्कशीट आपको इसमें डाल देना है। फिर नेक्स्ट एडमिट कार्ड कॉपी, डीएमएलटी या फिर एक्सरे, जिस भी पैरामेडिकल कोर्स से हो आप उसका चूज फाइल में जाएंगे। फिर उसके बाद आप वहां से करेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या लेना है, आपको नीचे का कुछ नहीं क्योंकि वो SBT के लिए है वो। फिर उसके बाद आपको कलर फोटो एंड द एप्लीकेंट, ये आपको बनवाना पड़ेगा अपने कॉलेज से। मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि ये क्या होता है, कैसे कॉलेज से बनता है, मैं आपको फुल पिक्चर देकर बताने। ये देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसके बारे में आगे बाद में बात करूंगा कि आपको इसको कॉलेज से बनवाना पड़ता है और ये यहाँ पर अपलोड करना पड़ता है आपको, तो आपको इसे अपलोड कर देना है। फिर नीचे उसके बाद आपको सिग्नेचर, एप्लीकेंट का सिग्नेचर आपने किया हो, एनओसी वगैरह नहीं चाहिए आपको क्योंकि आप किसी जगह पर काम वाम नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे तो चाहिए। आप कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, ST या SC, अगर क्योंकि आप 1000 रुपये देंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो आप उसे अपलोड करके बस सबमिट कर देंगे, आपका काम ख़त्म हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। मैं कैंडिडेट का आपको दिखा रहा हूँ। 2 फोटो आपको लेने हैं व्हाइट पेपर पे दोनों तरफ। उसके बाद नीचे आपके कॉलेज का मोहर और प्रिंसिपल के साइन, नेम सन ऑफ लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है आपको जो आपके एडमिट कार्ड में था वो वाला, रोल नंबर लिखना है, उसके बाद कोर्स आपने सेशन लिखना है क्या आपका सेशन था। नीचे आपके साइन होंगे, फिर प्रिंसिपल और आपके प्रिंसिपल के सिग्नेचर और साइन होंगे, फोटो पर भी होंगे और नीचे भी होंगे। तो ये आप जाके अपने कॉलेज से बनवा सकते हैं और फिर उसके बाद वहाँ अप्लीकेंट जो कलर फोटो यहाँ पर ऑप्शन था उस ऑप्शन में आप जाकर फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये सिंपल सा प्रोसेस समझ गए होंगे। किसी को ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से अपना रजिस्ट्रेशन करें, अपने फ़ोन से करें, अपने लैपटॉप से करें। थैंक यू। अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नीचे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।